एक अलबेला पैदल निकल पड़ा है भारत को जानने 2.5 साल से। देश के अलग अलग गांवों और शहरों में भारतीय संस्कृति को समझने और देश में जागरूकता लाने के लिए भारी वजन उठाने और कई किलोमीटर चलने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखती है। रोबिन सनोज नाम का ये युवा इंजीनियर क्या सोचता है देश के लिए, राजस्थान के लिए, उदयपुर आगमन पर आइए सुनते हैं रोबिन से विशेष बातचीत के कुछ अंश सावन के साथ। खबर राजस्थान से। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। कंधे पे 20 किलो का बैग, भारी जूते और रोज 30 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है। लेकिन एक युवा पूरा भारत पैदल नापने के लिए, भारत की संस्कृति को पहचानने और लोगों तक पहुंचाने के लिए पैदल निकल पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रोबिन सरोज। रोबिन जी, सबसे पहले तो आपका उदयपुर में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और बहुत गर्व की बात है कि मैं महाराणा प्रताप के मेवाड़ जन्मभूमि पे मैं यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वीरों के वीर महारथी और इतने मेवाड़ में इतने त्याग जो हर इतने कुल हुआ है उसको जानना, चित्तौड़गढ़ में मैं गया था, वहाँ पे जाने के बाद इतना गर्व महसूस हो रहा था। जौहर फेस्टिवल था, मैं उसी दिन गया। 12,000 से अधिक रानियों ने अपना वहाँ पे जौहर देखे, वो हमको देख के इतना गर्व, वहाँ पे रोम रोम खड़ा हो गया था। जो बाल होता है वह जब जाने के बाद इतना गर्व महसूस हो रहा था। मेवाड़ जो धरती है, महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाई थी और अकबर का गुलामी बर्दाश्त नहीं किए थे, लेकिन वह जंगल जंगल भटके लेकिन घास की रोटी खाए, उस धरती पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे गर्व की बात क्या होगी। यात्रा के बारे में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको पैदल चलना, गाड़ी से भी जा सकते थे? मैं क्लास 9th में था तो स्कूल के द्वारा टूर जाता था हमेशा, एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी कुंवर नगर ग्राम धर्मपुर पर्वतन में मेरे गाँव में स्कूल है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी गोरखपुर किसी नगर में है, और वहाँ मैं पढ़ता था तो हमेशा स्कूल के द्वारा टूर जाता था। तो हम लोग एकदम गांव में थे तो हमको पता नहीं था शहर में कैसे लोग रहते हैं, गांव में भी और आदिवासी लोग कैसे रहते थे। उसी समय से मुझे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुझे टूर लेके गया, क्लास 9th में था, तभी से मुझे घूमने का शौक हो गया, देश के बारे में शौक हो गया जानने की। मैं 12th कर लिया, 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग किया सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा से, वहाँ पे मुझे शौक था देश के बारे में जानने के लिए। मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला दमन में, मैं ज्वाइनिंग लेटर लिया, कुछ दिन काम किया, उसके बाद मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मुझे जॉब करना है। उसके बाद मैं घर पे आया, 2020 में मैं निकला उत्तर प्रदेश से, नेपाल नेपाल से, बिहार बिहार से, बंगाल बंगाल से, उड़ीसा उड़ीसा में मैं गया, मलेरिया टाइफाइड हो गया। और उसके बाद फिर मेरी यात्रा दोबारा स्टार्ट हुआ 2021 में जब कोरोना खत्म हुआ, उसमें मैं उत्तर प्रदेश से फिर बिहार बिहार से बंगाल बंगाल से उड़ीसा गया, वहाँ पे फिर मलेरिया टाइफाइड हो गया, फिर वापस जाना पड़ा मुझे। फिर मैं 2022 में 21 अक्टूबर 2022 में स्टार्ट किया यात्रा, मैं आसाम गया ट्रेन से और आसाम से स्टार्ट किया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, केरला से मैं कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से मैं राजस्थान में इस समय हूँ। राजस्थान के बाद आप कहाँ जाएंगे और अभी तक कितना किलोमीटर का सफर आप तय कर चुके हैं? अभी हमारी यात्रा 545 दिन हो गया और 10,130 किलोमीटर से अधिक चल चुका हूँ, और मैं यहाँ से हरियाणा की तरफ जाऊँगा। अभी मुझे समय लगेगा राजस्थान में, राजस्थान में देखने वाला इतना अच्छा है, यहाँ पे लोक संस्कृति जो ट्राइबल म्यूजियम है, यहाँ पे अगर उदयपुर में आप आ रहे हैं तो कल्चर के बारे में आप राजस्थान के पूरे कल्चर के बारे में जान सकते हैं। और कला म्यूजियम है जो लगता है ट्राइबल म्यूजियम, वहाँ पे मुझे जाने के बाद इतना अच्छा, जो कठपुतली हाथ से वो घुमाया जाता है, बताया जाता है पूरा, जैसे महाराणा प्रताप कैसे युद्ध लड़ते थे उसमें भी दिखाया जाता, सैनिक कैसे चलते थे, पूरे भील आदिवासियों के उनके कल्चर के बारे में दिखाया गया, इतना अच्छा गर्व महसूस हो जाता है यहाँ पे। कहीं भी हम यात्रा करने जाते हैं चाहे किसी भी माध्यम से, बस ट्रेन पैदल, पैसों की जरूरत पड़ती है, हमारे पास आपके पास पैसा कहाँ से आता है जब यात्रा करते हो, व्यवस्था कैसे होती है? लोग सपोर्ट कर देते हैं, मंदिर में मैं रुक जाता हूँ, स्कूल में, या जैसे अनिल सर जो है अहमदाबाद के, वो मिले नाथ द्वारा में जो सिरनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे, वहाँ नंबर लिए, कहें कोई भी जरूरत हो तो आप एक बार कॉल जरूर कीजिए, आपका भी नंबर पहले ही दे दिए थे,
तो हर जगह इतना सपोर्ट मिलता है, ऐसे ऐसे लोग मिल जाता है। भारत में कहते हैं कि इंसानियत नहीं है, जो कहता है उसके पास इंसानियत नहीं। इतना ज्यादा भारत ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं मिलेगा, ना ऐसा होगा। और हर देश में, हर राज्य में आप जाएंगे तो अलग अलग भाषा मिल जाएगा, मौसम भी, खान पान भी अलग। और दूसरे देश में जाएंगे तो एक ही भाषा भी मिलेगा, एक ही कल्चर मिलेगा, रहन सहन भी एक ही। भारत में 5000 से अधिक भाषा ऐसे, और लोगों का हर जगह आपको 10 या 15 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो भाषा चेंज। अब चित्तौड़गढ़ में जाएंगे थोड़ा अलग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे उदयपुर में जाएंगे तो भाषा थोड़ा अलग चेंज हो जाएगा, हर जगह अलग अलग भाषा। आपकी यात्रा और कितने दिनों चलेगी? अभी मेरी यात्रा 2 साल से अधिक चलेगी। और मेरा मम्मी पापा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा ऐसे मिले हैं और मेरे भाई मिले हैं कि इतना सपोर्ट करते हैं, खाने पीने रहने का भी, पैसा भेज देना। अभी तक मेरी मम्मी पापा कहें कि जब तक यात्रा नहीं पूरा होगा तब तक आना नहीं है। मैं किताब लिख रहा हूँ पूरे भारत के ऊपर, और मैं टीचिंग भी करता गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना। मेरा यही गोल है कि मैं यात्रा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बुक लॉन्च होगा, उसके बाद मैं गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दूंगा अच्छे से। कोई संदेश देना चाहते हैं युवाओं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ज़्यादा किताबों को पढ़िए और जो सच्चाई है उसको ग्रहण कीजिए। अगर महाराणा प्रताप के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ज्ञान होगा। यानी कोई कह दिया इतना ही आधी नॉलेज होती है और जानकारी बहुत बेकार होती है। अगर आपने राजस्थान के बारे में जानना है, अगर इस समय बच्चे जैसे ज़्यादा रील देख, आप राजस्थान के बारे में जानेंगे क्या कल्चर है यहाँ के बारे में, हमारा संस्कृति क्या है, हम कैसे जानते हैं हमारे राजस्थान को। दूसरे राज्य में जाएंगे तो कैसे हम बताएंगे हमारा राजस्थान कैसे है, हमारा दाल बाटी फेमस है, महाराणा प्रताप का यह धरती, उसके बारे में आप जाएंगे तो दूसरे राज्य में तो बताएंगे कि कैसे वीर हुआ करते थे, किसी के आगे झुका नहीं करते थे हमारे राजस्थान के, यह बताएंगे जो आज के जनरेशन में बच्चे। यह नहीं कि आप ज़्यादा मोबाइल से अटैच हैं, गलत गलत चीज़ें देख रहे हो, उससे आपको नहीं जाना चाहते। दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो राजस्थान के बारे में तो बताएंगे कैसे कैसे, अभी जयपुर में गुलाबी जूसा है उसके बारे में आप बताएंगे। और हर जगह इतना खूबसूरत यह जगह है, उदयपुर सबसे अच्छा जगह है, तो उदयपुर सबसे ऊंचा है इस समय, और यहाँ पे ठंडा मौसम भी है, ज़्यादा धूप भी नहीं होता है, और पानी की सुविधा भी। यहाँ पे अमरख जो टेम्पल है, महादेव जी का टेम्पल, वहाँ पे अमरख ऋषि उनके गंगा जो हमेशा कैलाश उत्तराखंड में जाते थे वहाँ से पानी लेके आते थे, वहाँ पे गिराए गंगा जी पर कट हो गए, वहाँ मैं पानी पिया हुआ जो हमेशा निकलता रहा, वो पानी इतना शुद्ध था। तो हर जगह खोजने के बाद आपको राजस्थान में इतना अच्छा अच्छा चीज मिलेगा, और हमको लगभग 4 महीने से अधिक लग जाएगा आपका राजस्थान। सबसे ज़्यादा समय भी मैं बिताऊँगा राजस्थान में, और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, राजस्थान इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। अभी भी तक महसूस नहीं हुआ कि मैं दूसरे राज्य में आया हूँ, इतना प्यार मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो ये थे रोबिन सनो, जिनका ये कहना है कि आज का यूथ मोबाइल में लगा हुआ है, रियल लाइफ में जी रहा है, जबकि इनको रियल लाइफ में आना चाहिए, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। आप रोहिन सरोज जी की कोई मदद करना चाहते हैं तो आप इनके YouTube चैनल और Facebook को सब्सक्राइब करके इनसे आप मिल सकते हैं।